इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सो आज हमारा चैप्टर का नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये हमारे चैप्टर का नाम है। ओके सी यार, अभी कोई लिखेगा नहीं, पूरा फोकस्ड अभी यहां पे होना चाहिए। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, क्या लिखेंगे। सो अभी इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर लर्न करना है तो इसमें से हम लोग कौन से पॉइंट देखने देंगे। जो 12th स्टैंडर्ड में जब हम 12th में पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है कौन सा बेटा। अरे कौन सा कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक, याद है। वी गिव द टू इफेक्ट, कहां ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग लिखते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग ऐसे दो इफेक्ट दे रहे। और मुझे पता उस टाइम प्रॉब्लम में आपको दोनों भी वैल्यू दिया होता था, यस और नो। ओके, क्लोजिंग स्टॉक एट अ कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक एट अ मार्केट वैल्यू, याद है हम लोग करते क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो सब में रेडीमेड क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दी होती थी, यस और नो। ओके, कभी हमने फाइंड आउट नहीं किया। एडजस्टमेंट हमेशा फेमस एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में वही थी सर, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। विदाउट क्लोजिंग स्टॉक हमने कभी वो सम सॉल्व ही नहीं किया, यस और नो। और उसमें अमाउंट दिया जाता था। जब भी आप डिग्री में आते हो उस वक्त इसी क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन आपको करने के लिए आता है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना रहेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड करने के लिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उन्होंने दो मेथड बोला है। दे गिव द टू मेथड कि हाउ टू वैल्यू स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स हम लोग सोल्ड नहीं करते वो क्या होता है स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल समझो हमने 100 यूनिट ये प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, उस 100 यूनिट में से समझो आपने 100 यूनिट में से 80 यूनिट्स आपने क्या किया बेटा, सोल्ड किया। सो 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 80 यूनिट सोल्ड किया, तो कितना बचा गुड्स, तो 20 यूनिट्स। कैन आई से इट्स अनसोल्ड, हेलो अनसोल्ड जो हमने सेल नहीं किया है, और अनसोल्ड गुड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इस अनसोल्ड गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, यस और नो। तो इसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे दो वैल्यूएशन AS2 ने दिया है। पहला मेथड दिया फीफो मेथड, विच मेथड बेटा, जोर से बोल, फीफो। क्या फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या बोला मैंने, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। फर्स्ट इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो फीफो। एंड दूसरा मेथड दिया हुआ है वेटेड एवरेज, विच मेथड बेटा, वेटेड एवरेज, इट्स एवरेज मेथड, क्लियर। और ओके, और एक मेथड था लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पर अभी ये AS2 ने क्या किया बेटा, स्क्रैप कर दिया, बोला कि ये लीफो मेथड आपको यूज नहीं करना है। पर ये फिफो लिफो वेटेड एवरेज है क्या सर, वो तो बता सी है, यहां पर बता रहा। फॉर एग्जाम्पल देखो बिजनेस के एंगल से देखना कि कौन सी मेथड कौन सा बिजनेस अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको मैंने बोला कि आपका है ना एक स्वीट का बिजनेस है, स्वीट्स मिठाई, स्वीट्स का बिजनेस है। हाँ ऐसे समझो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, स्वीट्स का बिजनेस करो, आप धंधा कर रहे हो मिठाई का, आप मिठाई वाले हो। ओके तो मैं ग्राहक हूं, मैं कस्टमर हूं, मैं आपके दुकान में आऊंगा और बोलूंगा, एक डायलॉग बोलता है हम लोग जब आप कोई भी मिठाई की दुकान में जाते हैं ना, एक कॉमन डायलॉग हम लोग बोलते हैं, क्या बताए क्या बोलते हैं, कॉमन डायलॉग। गए ना कोई मिठाई की दुकान पे, नहीं गए ना, क्या कॉमन डायलॉग होता है, अपन नेहमी हा प्रश्न विचारो, नेहमी हम लोग ऑलवेज ये मिठाई वाले को सवाल पूछते ही पूछते हैं, क्या, वेरी गुड वेरी गुड। ओके हम लोग मिठाई तो ऐसे रखी होती है ना कांच के ग्लास की तरह से, हम लोग आके बोलते हैं फ्रेश है क्या, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं 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 फ्रेश नहीं, 10 दिन का है, ऐसे बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, फ्रेश सुबह ही रखा है, सुबह ही बना के रखा हुआ है, यस और नो, क्या बोलते हैं, फ्रेश है, यस और नो।
ओके, तो टेस्ट करने के लिए भी देता है, आप मांगते हो ये देना ये देना ये देना, ओके, उधर ही थोड़ा खा लेते हो आप मिठाई। यस सर, अभी मुझे बताओ, सी मिठाई ये जो है वो पेरिशेबल है कि अनपेरिशेबल है? पेरिशेबल मतलब खराब होने वाला है या खराब नहीं होता है? पेरिशेबल, ओके, पेरिशेबल मतलब खराब होने वाली चीज है। यस सर, आप ज्यादा दिन तक रख सकते हैं क्या? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल? नहीं रख सकते हो, पेरिशेबल खराब होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे देखना, अभी एक दुकान में ऐसे शॉप ये है और यहाँ पे पूरी मिठाई लगी हुई है, समझा? अलग अलग टाइप की मिठाई है। कस्टमर आ रहा है, मैं आ रहा हूं, आप यहाँ पे हो, अंदर हो, क्लियर? और आपके किचन में एक मिठाई है, आपने मिठाई किचन में जो आज बनाई है ना, आज फ्रेश, सच में जो फ्रेश मिठाई है आज की बनी हुई, वो कहां पे बेटा? किचन में। और ये जो मिठाई है ना वो 2 दिन पुरानी है। हेलो, 1 से 2 दिन हो चुके हैं। कस्टमर आ रहा है और बोल रहा है कि मिठाई चाहिए पर फ्रेश चाहिए, फ्रेश। ओके, तो आप क्या करोगे? आप पहले डिस्प्ले वाली मिठाई बेचोगे। देखो बिजनेस के एंगल से देखना, धंधा कर रहे हो आप, हाँ, चारिटी नहीं कर रहे हो, ओके, आप बिजनेस कर रहे हो, तो डिस्प्ले की मिठाई पहले बेचोगे क्या किचन में जो मिठाई है वो पहले बेचोगे? डिस्प्ले वाली। हेलो, क्यों सर, क्यों? अभी सामने वाला कस्टमर बोल रहा है ना फ्रेश चाहिए, आज का बना हुआ माल चाहिए, तो भी आप दोगे क्या? क्या बोलोगे? फ्रेश ही है, हेलो, आज ही बना है, सुबह ही रखा है, खा लो, ये लो चेक करो। ये सर, क्यों सर, क्यों सर, आप क्यों नहीं, वो बोल रहा है फ्रेश, तो किचन वाली मिठाई आप क्यों नहीं दोगे उसको? क्यों नहीं दोगे? समझो, अगर किचन वाली मिठाई दे दिया तो ये डिस्प्ले वाली मिठाई है ना, कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। अरे यस और नो? ओके, इसका मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसने क्या बीकॉम बैक किया रहेगा? जरूरी नहीं है बेटा। हेलो, पर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है, समझो, मैंने फ्रेश मिठाई जो मेरे किचन में है वो पहले बेचा ना, तो डिस्प्ले वाली मिठाई कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। Yes or no? Okay, तो पहले मेरा टारगेट क्या होगा कि डिस्प्ले वाली मिठाई पहले बेचे, उसके बाद एक बार डिस्प्ले का मिठाई खत्म हो गया तो मैं जाके किचन की मिठाई डिस्प्ले के ऊपर लगाऊंगा, तब किचन वाली मिठाई नहीं बेचूंगा। अभी ये जो मिठाई वाले ने प्रैक्टिस किया हुआ है, ये जो चीज किया है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे। इन मतलब परचेस किया या बनाया, आउट मतलब सेल किया। पहला क्या क्या बना मैंने, ये डिस्प्ले वाला मिठाई पहले बनाया रहेगा ना। हेलो, फर्स्ट इन, पहला डिस्प्ले वाला बनाया फिर किचन वाला बनाया, तो फर्स्ट इन कौन सा था? डिस्प्ले वाला, वो पहले बेचूंगा, समझा? उसके बाद उसको बोलते हैं फर्स्ट इन, जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे, या जो पहले खरीदेंगे वो पहले बेचेंगे। कभी कभी ऐसे होता है मिठाई वाला खुद मिठाई नहीं बनाता बेटा, वो दूसरे से मिठाई बना के लेता है और खुद के डिस्प्ले पे लगाता है, किचन बिचन का मगज भरे नीचे, समझ में आ रहा है? ओके, देखिए, तो टाइप विद समवन, जिसकी अच्छी मिठाई है उसके साथ वो टाइप करेगा और खुद के डिस्प्ले पे लगाएगा, फोन करके बताएगा मिठाई खत्म हो लेके आएंगे। अरे क्लियर? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदेंगे या जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे, उसको कौन से मेथड कहते हैं? फीफो मेथड, फर्स्ट इन। समझ नहीं आ रहा है? ओके, सम कैसे सॉल्व करें बाद में, लॉजिक समझा, फीफो क्यों बोला जाता है। ओके, अभी मुझे तो समझो, आपका ना बनिया का दुकान है, ग्लॉसरी शॉप है आपकी, ग्लॉसरी शॉप बनिया, ओके, वानिया, ओके, और ना यहाँ पे ना पूरे ना मैगी के पैकेट ऐसे ना आपके लटका के रखे हुए हैं। कस्टमर आ रहा है, बोला मैगी चाहिए, मैगी का पैकेट चाहिए 10 रुपए का, तो मुझे बताओ बनिया ऐसे देखते हैं कि पहला पैकेट कौन सा लटका है, मैंने ऐसे देखता है क्या? क्या करता है? ले चल, ये सर वो देखते नहीं बेटा, ये चॉकलेट वाला, सर चॉकलेट है तो चॉकलेट हम लोग बर्नी में डालते हैं छोटे बर्नी, ओके, तो ऐसे पहले देख, कस्टमर आ गए चॉकलेट है, देखते हैं पहला चॉकलेट कौन सा डाला मैंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हेलो, ऐसे वो करता है कि नहीं करता?
नहीं कर, जो उसके हाथ में आएगा ना वो देगा। अरे बहुत सारे पैकेट लटके हुए हैं, जो उसके हाथ में पहले आएगा फाड़ के दे देगा। कभी बोलते ले तू ही ले, पैसा दे इधर, बोलता है कि नहीं बोलता। तो वहां पे वो देखता है क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं वो पेरिशेबल नहीं है ना, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत बड़ी है, कम से कम 150-200 साल तो चलेगा ही चलेगा। अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड वो अप्लाई नहीं करता, उसके लिए हम लोग बोलते हैं एवरेज मेथड। विच मेथड? एवरेज मेथड, कुछ भी उठा के दे दो, इज नॉट कंसर्न अबाउट द पहले क्या बनाया या पहले क्या खरीदा। समझा? पक्का? कौन से मेथड बेटा? एवरेज। और तीसरा मेथड होता है लीफो मेथड। कौन सा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में बनाएंगे वो पहले बेचेंगे, जो पहले बनाएंगे वो नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अप्लाई टू वाइन इंडस्ट्री या अल्कोहल इंडस्ट्री। वाइन एंड अल्कोहल, जितनी वाइन पुरानी उतना ही उसका मार्केट डिमांड, जितनी वाइन नई उसका वैल्यू कम। अरे समझ में आ रहा है? तो दे अप्लाई द लिफो मेथड। जो पुरानी वाइन है वो पहले निकालते नहीं है, नई वाइन पहले बेच देते हैं, कि पुरानी वाइन जितनी दिन तक रहने वाली है उतना उसका प्राइसिंग ज्यादा मिल जाए। या ज्वेलर्स, ज्वेलर्स होता है गोल्ड बेचता है, तो मुझे होता नए गोल्ड ये ज्यादा प्योर रहेंगे क्या, ओल्ड गोल्ड ज्यादा प्योर रहेंगे? ओल्ड गोल्ड अभी तो मिक्स करके आता है सर। हेलो, इज नॉट अबाउट 24 कैरेट ऑल्सो, इज गोस टू 22-18 कैरेट में मिलता है तो भी सोना दिखता है, ये सर नो। और सोना नहीं है वो भी सोना दिखता है अभी फिलहाल, ये सर। तो मुझे तो ज्वेलर जो होता है ना, दे आर फॉलोइंग द लिफो मेथड। वो पहले ना पुराना गोल्ड को रखते हैं, जो नया गोल्ड होते हैं ना वो पहले सेल करेंगे, और पुराने गोल्ड को स्टोर करके रखेंगे, उसका पता है कि उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर बेटा? सो दे आर फॉलोइंग विच मेथड? लिफो। पर AS2 बोलता है कि लिफो मेथड आप फॉलो मत करो, ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दोनों में से एक मेथड, डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर रनिंग। आप कौन सा टाइप का बिजनेस रन कर रहे हो उसके ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है। कुछ लोग फॉलो करते हैं फीफो, कुछ लोग फॉलो करते हैं वेटेड एवरेज, डिपेंड अपॉन द बिजनेस, कोई कंपल्सन नहीं है। पर जो भी मेथड आप फॉलो करोगे ना, वही मेथड आपको कंटिन्यूसली आगे करते रहना है। समझ में आ रहा है? और कितने मेथड है हमारे सिलेबस में? दो मेथड है। मैं लिफो भी सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, कभी कभी कुछ कॉलेजेस है ना लिफो भी सिखा देते हैं और एग्जाम में पूछ लेते हैं। अरे क्लियर? सिलेबस में तो नहीं है, पर दो मेथड तो मैं पक्का सिखाऊंगा, तीसरा मेथड का एक ही क्वेश्चन करूंगा लिफो मेथड वाला। क्लियर? सो कितने मेथड है हमारे सिलेबस में? टू मेथड। कौन से? फीफो एंड वेटेड एवरेज। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज मेथड। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर नो? पक्का? ओके, सो राइट डाउन, आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन लिखा, चलो वो लिखने के बाद लिख दो, वो लिखने के बाद देखो फीफो मेथड। फीफो मेथड, फीफो मेथड, चलो तो फीफो का मतलब क्या बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट बेटा? फर्स्ट इन, जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे। क्या? जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज इट क्लियर? श्योर। तो इसकी हम लोग एक छोटा एक क्वेश्चन करूंगा मैं, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो सर, एक एडिशनल क्वेश्चन लिख के देखो, ऐसे लिखना एडिशनल
एडिशनल क्वेश्चन नंबर वन, एडिशनल क्वेश्चन नंबर वन, एडिशनल क्वेश्चन नंबर वन, एडिशनल क्वेश्चन नंबर वन लिखो. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, prepare stock registered, prepare stock registered by FIFO method. Which method beta? FIFO method. एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. मतलब ऐसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन किया तो भी कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके दिमाग में जाएगा. ओके, सो राइट डाउन, यहां पे मैं कॉलम बना रहा हूं, आप भी बनाओ. सो डेटा, सो आज के लेक्चर में एक ही क्वेश्चन करेंगे बट डिटेल में करेंगे. सो डेट, ट्रांजैक्शन, यूनिट्स, rates per units. So 1st January 2013 there is a opening stock और ये 17,500 units है, rate है 3.5. 4th January 2013 purchase 30,000 units, rate है 3.80. 8th January 2013 sales 32,500 units, 4.20. 12th January 2013 purchase 37,500 units, 4.90. 16th January 2013 sales 42,500 units, rate is 4.30. 21st January 2013 purchase 40,000 units, 4.5. And 25th January 2013 sales 33,750 units, rate is 4.4. So ये data आपको दिया हुआ है और college में भी इसी तरीके से exam में question आएगा. So, एक क्वेश्चन में फीफो का दिखाने वाला हूं और फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. सो अभी कोई लिखेगा नहीं, पूरा फोकस्ड अभी सम के पास होना चाहिए. ओके, बैलेंस आपको भी लिखने के लिए टाइम देता हूं. ओके, सो द गिवन डेटा. सो देखो, ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेस है, सेल, परचेस, सेल, परचेस, सेल, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको दिया. मतलब हमने कितना गुड्स खरीदा, सेल किया, परचेस किया, सेल किया. कौन सा मेथड बोल रहे हैं? सो दे हैव टू प्रिपेयर विच मेथड बेटा? फीफो मेथड. विच मेथड? फीफो मेथड का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले बनाएंगे वो पहले बेचेंगे. अभी देखो, स्टॉक लेजर कैसे बनाना है, स्टॉक लेजर आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो यहां पे कॉलम बनाना है. देखो कॉलम में कैसे बना, कोई भी लिखेगा नहीं, पूरा फोकस्ड सम के ऊपर रहने दो. फिर चलिए, तो आप बाद में कॉपी करके लिखना चलेगा.
और मुझे इस लगता है खुद से जितना करोगे उतना ही बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया, उसका नाम है डेट कॉलम, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, सो दिस इज आर डेट कॉलम, परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स और बैलेंस। क्लियर? सो पहले कॉलम कौन सा है? परचेस। सेकंड कॉलम सेल। थर्ड कॉलम क्या है? बैलेंस। फिर मैं यहां पे लिखूंगा स्टॉक लेजर, स्टॉक लेजर अंडर फीफो मेथड। यहां पे रहेगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डन बेटा। सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो फर्स्ट डेट लाइन से जाएंगे। फर्स्ट डेट हमारा कौन सा बेटा? ओपनिंग स्टॉक है। ओके, सो मैं यहां पे डेट लिख रहा हूं फर्स्ट जानेवारी 2013, राइट? सो देखो, हमने परचेस नहीं किया है ना सेल किया, हमारे पास वो ओपनिंग स्टॉक है, तो बैलेंस में लिख दिया। ओके, कितना? 17,500। 17,500 रेट कितना है रे? तो ये 17,500 रेट है 3.5। सो कैल से निकालो जल्दी जल्दी, लाया आपने? लाया। सो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो 17,500, सो 17,500 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? सो मल्टीप्लाई बाय 3.5। सो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सो दिस इज 61,250। 61,250, क्लियर? इट इज 61,250। हो गया यहां तक? पहले देखो, उसके बाद देखो। तो जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ ना, आपको क्या करना बेटा? लाइन को ड्रॉ करना है। ट्रांजेक्शन हुआ, ड्रॉ द लाइन। हाँ, पहले देखो यहां पे। फिर मेरा एक ट्रांजेक्शन लिख के हो गया, वी गो फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। फोर्थ जनवरी क्या बेटा? परचेस है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्थ जानेवारी 13। क्या क्या हमने परचेस किया? कौन सा क्वांटिटी? कितना क्वांटिटी परचेस किया बेटा? 30,000 क्वांटिटी परचेस किया, तो मैं यहां पे 30,000 लिखेगा। रेट कितना बेटा? कितने परचेस किया हमने? 3.80 में परचेस किया, तो ये 3.80 रेट लिखेगा। इजी है यहां तक? तो 30 वाला क्वांटिटी 3.80 इज हाउ मच? सो दिस विल बी 1,14,000 बेटा। कितना बेटा? 1,14,000 आ गया। चलो मेरे साथ हो, याद है? यस और नो? ओके, सो दिमाग से यहां पे साथ रहना है। सेल को यहां पे मैंने डैश डैश किया, फीफो मेथड है, तो पुराना स्टॉक पहले लिखो। पुराना स्टॉक जो है वो पहले मुझे लिखना है। कितना? 17,500, 3.5, 61,250। पुराना स्टॉक कुटे? हाँ, 3.50 बताए जाल बेटा, कोई आएगा मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर? सो पुराना स्टॉक पहले मैंने लिखा, फिर नया स्टॉक उसके नीचे लिखो 30,000, 3.80, 1,14,000। समझ में आ रहा है? पुराना स्टॉक पहले कॉपी किया, जो स्टॉक है वैसे लिख दिया, फिर नया स्टॉक उसके नीचे एड ऑन कर दिया। ओके, फिर अगेन आई क्लोज दिस लेजर। समझ में आ रहा है? ट्रांजेक्शन खत्म, लेजर खत्म। देखो, दो परचेस, तीन परचेस दिया, तीन सेल्स दिया है। नहीं समझा तो लास्ट एंटर समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, चलो फोर्थ हो गया। उसके बाद क्या बेटा? 8 जनवरी है। सो 8 जनवरी क्या है बेटा? सेल्स है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 8 जनवरी 13 सेल्स है। हाउ मेनी क्वांटिटी? 32,500। कितना क्वांटिटी का ऑर्डर है? 32,500 क्वांटिटी मुझे सेल करना है, यस और नो?
तो कैसे सेल करूंगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहले परचेस किया रहेगा वो पहले हम लोग बेचेंगे। ओके, तो पहला कौन सा है? 17,500 परचेस किया ना पहले, तो पहला हम लोग बेचेंगे। देखो ये रेट कौन सा है सर? सो दिस इज योर सेलिंग रेट। कौन सा रेट है? सेलिंग रेट को इग्नोर करना है, हम लोग को सेलिंग रेट नहीं देखना है। कौन सा रेट देखना है? जो प्राइस परचेस रेट कॉस्ट को देखना है मेरे, राइट, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो 17,500 है, रेट कौन सा है? 3.5 इस 3.50 कितना आएगा? 61,250। समझा? ओके, कितने का ऑर्डर बोला आपने? ऑर्डर कितने का है? ऑर्डर 32,000 का है ना? एक मिनट, कैलकुलेटर इधर ही दिखा था, सबको दिखाई देगा। ओके, देखना इधर ऑर्डर कितने का बेटा? 32,500 का ऑर्डर है बराबर। उसमें से कितना क्वांटिटी हमने बेचा? 17,500 बेचा, माइनस कर दिया, बचा कितना? ये 15,000 हम लोग कहां से लेंगे? 3.80 से लेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले मैंने ओल्ड स्टॉक बेचा, फिर नए में से 15,000 दे दिया। ओके, अभी देखो पुराना स्टॉक तो पूरा गया बेटा, 30,000 में से 15,000 यूनिट गया, तो बचा कितना यूनिट? 15,000 यूनिट्स। कौन से रेट से बेटा? 3.80 से। तो मुझे बताओ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.80 कितना आएगा? और वही 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.80 वही आने वाले बेटा 57,000। आर यू विथ मी गाइस? देखो आपको ना सेल्स को बराबर से मैनेज करना है, परचेस तो बहुत इजी है। चलो, नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और दो ट्रांजेक्शन आने वाले, परचेस और सेल। ओके, चलो 8 जनवरी हो गया, 8 जनवरी के बाद नेक्स्ट कौन सा है बेटा? 12 जनवरी। तो यहां पे लिखूंगा 12 जनवरी 13 परचेस। हाउ मेनी क्वांटिटी वी परचेस हियर? 37,500 परचेस किया। रेट कितना है? रेट 4.90 का रेट है। सो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4.90, सो दिस विल बी हाउ मच? 1,83,750। समझा ना रे? ओके, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4.90, दिस इज 1,83,750। क्लियर? हेलो, यस और नो? चलो, हाँ तो मैं क्या करूंगा? सो ये डैश, ये डैश डैश, पहला पुराना स्टॉक एज इट लिखने वाला, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.80, और ये एज इट इज 57,000, और नया स्टॉक इसके नीचे लिखूंगा 37,500 4.90 1,83,750। क्लियर बेटा? जैसे ट्रांजेक्शन हो गया, ड्रॉ द लाइन। 12 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल क्या है? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी 2013 हाउ मेनी क्वांटिटी वी सोल्ड हियर? कितना क्वांटिटी बेचना है बेटा? 42,500 क्वांटिटी बेचना है क्या हमारे पास? है ना सर? है। तो पहला कौन सा बेचूंगा? वेरी गुड, फर्स्ट 15,000 बेचूंगा। रेट कौन सा? तो पूरा 57,000 हो गया, पक्का बेटा? ये टोटल ऑर्डर कितने का है? टोटल ऑर्डर कितने का है? 42,500 का ऑर्डर है। उसमें से पहला कितना बेचा मैंने? 15,000 दे दिया ना, अभी भी कितना देना बाकी है? 27,500। तो मैं यहां पर लिखूंगा 27,000 कौन से रेट से देगा? 4.90 के रेट से देगा। सो 27,500 मल्टीप्लाई बाय 4.90 हाउ मच? 1,34,750। क्लियर? अभी देखो 15,000 स्टॉक तो पूरा चला गया बेटा, अभी देखो 37,000 में से 37,500 में से 27,500 का पेमेंट हो चुका है, बैलेंस कितना बचा बेटा? 10,000 बचा। कौन से रेट से? 4.90। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.90 इज हाउ मच?
इट्स 49,000। क्लियर? श्योर। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ ड्रॉ कर लाइन, लाइन को ड्रॉ करना मत भूलना, नहीं तो ना पूरा डेटा एक साथ दिखेगा, फिर समझ में नहीं आएगा कौन से डेटा से आप क्या माइनस कर रहे हो। देखो एक ट्रांजेक्शन परचेस हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन सेल हो रहा है, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप मुझे बताओगे कहाँ पे लिखना है और कहाँ पे नहीं लिखना है। ऐसे नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पर एक ही क्वेश्चन में दिमाग के अंदर जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ये जो मेथड बता रहा हूं कौन सा मेथड है, ये जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड का नाम है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, सो 16 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है? 21 जनवरी ना, 21 जनवरी 13। क्या बेटा परचेस का सेल 40,000। देखो सेल्स का रेट जो है ना ये इग्नोर करने का बेटा, सेलिंग रेट जो है ना, सेल है ना ये ट्रांजेक्शन, तो कौन सा रेट है? सेलिंग रेट। यू हैव टू इग्नोर इट, आपको कॉस्ट देखना है सर। इग्नोर क्यों करना है बताऊंगा मैं। परचेस 40,000, 4.5 का रेट है, यस और नो? इट्स 4.5, 4.05 ना, यस 4.05, बराबर से देखना राइट। तो मुझे बताओ 40,000 मल्टीप्लाई का 4.05, 40,000 मल्टीप्लाई का 40,000 मल्टीप्लाई का 4.05 कितना है? 1 लाख डैश डैश। पहला पुराना स्टॉक लिखा, करेक्ट, फिर नया स्टॉक लिखा इसके नीचे, अरे क्लियर? जैसे ट्रांजेक्शन हो गया ड्रॉ द लाइन। देखो यहां पे कोई डेबिट क्रेडिट में कुछ नहीं सिखा रहा, हेलो, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट एक्सपेंस इनकम कुछ नहीं। क्लियर? चलो द लास्ट ट्रांजेक्शन इज अबाउट सेल्स। आप मुझे बताओगे 25 जनवरी 2013, सो 25 जनवरी 2013, सो हाउ मेनी क्वांटिटीज वी सोल्ड हियर? सो कितना क्वांटिटी सेल किया हमने? 33,750 सेल करना है। तो पहला कौन सा बेचूंगा मैं? 10,000। और देखो ये जो सेलिंग रेट है ना इग्नोर करना है, हेलो, इसको इग्नोर करना है, ये रेट ही लेना है आपका। सो 4.90, इट इज 49,000। अभी देखो ऑर्डर कितने का है, ऑर्डर कितने का है? 33,750 का ऑर्डर है, सेल है ना बेटा? उसमें से हमने पहला कौन सा दिया? 10,000 दे दिया। अरे बेटा ये सुन लो, तो कितना देना पड़ेगा भाई? 23,000। कौन से रेट से? 4.5। अरे क्लियर? सो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 4.05 इज हाउ मच? 96,187.5, 96,187.5, यस सर। अभी देखो ना ये 10,000 पूरा चला गया, 40 में से आई कैन से 43,750 बच गया है, तो बैलेंस यहां पे रहेगा, ये सर नो? तो कितना बचा बोलो? अब ये देख, 40,000 स्टॉक था उसमें से 23,750 पे किया, बचा कितना? कौन सा रेट वाला बचा? 4.05, हेलो, मल्टीप्लाई का 4.05 इज हाउ मच? 65,000। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए, एक फीफो 10 मार्क्स, वेटेड 10 मार्क्स, 10, 10, 20, समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन बैक के लिए या अदर सेगमेंट के लिए 15 मार्क्स, 7 मार्क्स फीफो, 8 मार्क्स वेटेड एवरेज, 15 मार्क्स मिल गया। छोड़ने का नहीं सर, हाथ के मार्क्स है, नहीं समझा? इतने इजी चैप्टर में हम लोग छोड़ेंगे तो डिफिकल्ट तो छोड़ दो। अरे क्लियर? ओके, वापस एक बार बता रहा हूं,
जब भी आप परचेस करोगे तो यू हैव टू राइट इन परचेस कॉलम, परचेस रहेगा तो परचेस कॉलम में लिखो, सेल रहेगा तो सेल कॉलम में लिखो। सेल प्रॉब्लम, जब सेल आप करोगे तो सेल में जो प्राइस दिया रहेगा वो लेने का लिए, वो कौन सा प्राइस होता है? सेलिंग प्राइस। स्टॉक लेजर हम लोग को बनाना है, मैं देखने का मतलब ऐसे ऐसे पकड़ना। देखो ना सिंपल सी बात है, स्टॉक लेजर का मतलब क्या है? समझो कोई कस्टमर आ रहा है ना, वो मुझे बोलता है कि अपने कभी देखा रहेगा जब आप मार्केट में जाते हो, ओके, 1 महीने पहले मार्केट में गए रहेंगे, एक समझो प्राइसिंग है तो उसको 2 रुपये आपको कोटेशन गिरा, 2 रुपये में उसने बेचा आपको एक प्रोडक्ट, 2 रुपये में बेचा, ओके। नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो उसने बोला 3 रुपये अभी, तो आप क्या बोलते हो? अरे लास्ट मंथ 2 रुपये में दिया था आपने, आज 3 रुपये क्यों? हेलो, तो बोलते हैं नहीं अभी प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ा मतलब उसने 1 रुपया कमाया नहीं, उसको मिलने वाला ही स्टॉक बढ़ के आ गया। अरे ग्रीन में पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ओके, उसको प्राइस ऐड करके आया तो अभी उसको 2 रुपये बेचेगा ना तो घाटे में बेचेगा उसको ही। पर उसको आप बोलेंगे 2 रुपये, दो तो खरीद ही नहीं है, खरीद ही नहीं मेरा, उससे अच्छा मत ले लो आप जाओ, ऐसे सीधा सीधा मुंह के ऊपर बोलता है, ओके। जब उसकी प्राइस होती है ना, मतलब कम ज्यादा कर सकता है, रुक के थोड़ा 1-2 रुपया कम कर देगा आपको, पर उसको आपने इतना उसको मिनिमाइज किया ना तो बोलेगा बुलाएगा भी नहीं वापस आपको। हम लोग देखते पीछे, बुलाएगा आपको, नहीं बुलाता, क्लियर? हर ग्रिड में पॉइंट, तो समझ लेना उसकी कॉस्ट भी उतनी है, बेचारा नहीं कमा रहे उसमें। ग्रिड में पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, हेलो यस सर, इज वेरी सिंपल नेचर, बहुत इजी है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आ सकता है। आज के ये लेक्चर में आपको क्या देखना है, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अरे क्लियर? आज के लेक्चर में प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, नेक्स्ट लेक्चर में गो फॉर द प्रोसेस, क्लियर? श्योर, तो कॉपी दिस।